हेलो एवरीवन कैसे आप सब आपको वेलकम करते हैं इस चैनल में तो हम स्टार्ट करेंगे अब नई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज अबाउट सोशालोजी तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये मिक्सड रहेगी तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हु डिफाइनड फैमिली एज ए ग्रुप ऑफ परसनज़ होज रिलेशन अनदर आर बेस्ड अपॉन कॉन्सेंट यूनिटी एंड हु आर देयर फोर किन टू वन अनदर ऑप्शन ए जे गुडी ऑप्शन बी किंगीडाइव ऑप्शन सी मैकेवर एंड पेज ऑप्शन डी एलेच मॉर्गन हु हैज़ डिफाइनड फैमिली एज ए ग्रुप ऑफ परसन रिलेशन टू वन अनदर आर बेस्ड अपॉन कंसन यूनिटी एंड हु आर देयर फोर किन टू वन अनदर किसने डिफाइन की है फैमिली एज ए ग्रुप ऑफ पर्सनज जो होता है एंड उनकी जो रिलेशनशिप होती है वो बेस्ड अपॉन कंसेंट यूनिटी पे होती है एंड किन पे होती है अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बनेगा ऑप्शन बी किंग्सली डेविस किंग्सली डेविस इज ए हु हैज डिफाइनड फैमिली एज ए ग्रुप ऑफ हुज़ रिलेशन टू वन अनदर आर बेस्ड अपॉन कॉन्सेंट यूनिटी एंड हु आर देयर फोर टू वन अनदर ये डिफिनेशन ऐसी एग्जाम में पूछी जाती है इसकी जो वर्डिंग है वो चेंज नहीं होती है So, B is the right answer. Question number two. Question number two. The practice of having only one suppose at a time is known as option A, monogamy, option B, polygamy, option C, biogamy, option D, polyandry. The practice of having only one suppose at a time is known as. कौन सी प्रैक्टिस है जिसमें एक ही सपोज एट ए टाइम पे होता है सपोज़ का मतलब है यहाँ पर आइदर इट मे बी हजबेंड और इट मे बी वाइफ तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए मोनोगेमी मोनोगेमी इज द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग ऑनली वन सपोज एट ए टाइम दैट इज नोन एज मोनोगेमी क्वेश्चन नंबर थ्री डावरी प्रोहबिशन एक्ट वेन इट इज़ पासड ऑप्शन ए नाइनटीन सिक्सटी वन ऑप्शन बी नाइनटीन सेवनटी टू ऑप्शन सी नाइनटीन सेवनटी एट ऑप्शन डी नाइनटीन सिक्सटी जो ये डावरी प्रोहबन एक्ट है ये कब पास किया गया है किस ईयर में पास किया गया है इसका सीधे यहाँ आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए नाइनटीन सिक्सटी वन में ये एक्ट पास किया गया था क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट व्हेन इट इज पॉसिबल ऑप्शन ए टू थाउजेंड वन ऑप्शन बी टू थाउजेंड एट ऑप्शन सी टू थाउजेंड सेवन ऑप्शन डी टू थाउजेंड अलेवन जो ये मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट है ये कब पास किया गया था अगर हम इस क्वेश्चन की राइट right आंसर की बात करेंगे दैट इज़ इसका जो यहाँ पर राइट आंसर है वो है 2007, 31 दिसंबर 2007 में पास किया गया था मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट वाज पासड ऑन 31 दिसंबर 2007। क्वेश्चन नंबर फाइव द फैमिली हु रोट दिस बुक ऑप्शन ए किंग्सली डाइवस ऑप्शन बी रॉबर्ट एफ विंच ऑप्शन सी जॉन ब्रॉडशो ऑप्शन डी एम एन श्रीनिवास जो ये बुक है फैमिली ये किस सोशलिस्ट ने लिखी है अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे इसमें जो ऑप्शन यहाँ दी गई है ये सारे ऑप्शनस गलत है मैंने एनालिसिस की इसका जो राइट right आंसर है वो है टूट पर याद रखना इसका राइट right आंसर है टी ओ डी डी पर, जिसने ये बुक लिखी है 2003 में मैंने इसकी एनालिसिस uh, की कई जगह पे लिखा है इसका जो आंसर है वो है जॉन ब्र बट ये नहीं है ये रॉन्ग है इसका राइट right आंसर है द फैमिली हैज रिटन बाई पर इन 2003 क्वेश्चन नंबर सिक्स द फैमिली प्रोवाइडस वेरियस फंक्शन इंक्लूडिंग ऑप्शन ए सोशलाइजेशन इकोनॉमिक कोपरेशन इमोशनल सपोर्ट ऑप्शन बी आइसोलेशन फाइनानशल गेन कैरियर डेवलपमेंट ऑप्शन सी सोशल एक्सक्लूजन इंडिपेंडेंस इमोशनल डिटेचमेंट ऑप्शन डी इकोनॉमिक कंपटीशन, कल्चरल आइसोलेशन एंड इमोशनल स्ट्रेस अगर हम फैमिली को देखेंगे द फैमली प्रोवाइडस वेरियस फंक्शनस फैमिली कौन कौन सी फंक्शनस प्रोवाइड करती है अगर हम फैमिली में देखेंगे इसमें बेसिकली अगर हम ए को देखेंगे इसमें इमोशनली सपोर्ट होता है फैमिली में इसमें सोशलाइजेशन होती है सोशलाइजेशन इज़ अ मेन फंक्शन ऑफ फैमिली इसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है दैट मीनस इसका जो राइट right आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए द फैमिली प्रोवाइड्स वेरियस फंक्शनज इंक्लूडिंग सोशलाइजेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन इमोशनल सपोर्ट एंड एंड डीज ऑप्शन आर इन B, C, D is incorrect. Family uh, provides socialization, economic cooperation, and emotional support. Question number seven The term kin" refers to option A, relatives by marriage, option B, blood relatives, option C, extended family, option D, adopted family members. The term kin" refers to एफनल किन जो होता है इसका मतलब क्या है इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे क्या वो रिलेटिव्स बाय मैरिज है क्या वो ब्लड रिलेशन है क्या वो एक्सटेंडेड फैमिली से कनेक्ट होता है क्या वो अडॉप्टिड मेम्बर्स से होता है इसका जो आंसर वो आप कॉमेंट बॉक्स में देंगे द टर्म एफनल किन रेफर्स टू क्वेश्चन नंबर एट A family system where one or both parents are not biologically related to the children is known as option A blended family, option B single parent family, option C extended family, option D nuclear family. A family system where one or both parents are not biologically related to children is known as family system? दोनों पेरेंट्स जो बायोलॉजिकली रिलेटेड नहीं होते हैं चाइल्ड के साथ इस फैमिली को क्या कहते हैं अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए दैट फैमिली इज़ कॉल्ड ब्लेंडेड फैमिली अ फैमिली सिस्टम वन आर बोथ पेरेंट्स आर नॉट बायोलॉजिकली रिलेटेड टू द चिल्ड्रन इज़ नोन एज ब्लेंडिड फैमिली दिस इज़ नॉट सिंगल पेरेंट फैमिली दिस इज़ नॉट एक्सटेंडिड फैमिली दिस इज़ नॉट आल्सो न्यूक्र फैमिली क्वेश्चन नंबर नाइन अंडर हिंदू लॉ मैरेज इज़ ए ऑप्शन ए स्केरमैन ऑप्शन बी कंट्रैक्ट ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी नाइदर ए नार बी अगर हम हिंदू लॉ के अंडर देखेंगे मैरेज इज ए मेरेज क्या है क्या ये सिकेयरमेंट है क्या ये कंट्रैक्ट है क्या ये दोनों चीज़ें हैं क्या ये कुछ भी नहीं है इन ऑप्शन में अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ मैरिज इज ए सिकरमेंट दैट मीन्स इसका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए सिकेरमेंट अंडर हिंदू लॉ मैरिज इज सिकरमेंट रादर देन कंट्रैक्ट दैट मीन्स का राइट आंसर यहाँ पर होगा वो आपको ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सिक्योरमेंट दिस इज नॉट कंट्रैक्ट एंड दिस इज आल्सो इनकोरेक्ट एंड दिस ऑल्सो इनकोरेक्ट क्वेश्चन नंबर टेन यहाँ पर एग्जाम्पल है आपको हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का एंड स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 ये भी आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन भी कभी आता है जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो कब पास किया गया था एंड स्पेशल मैरिज एक्ट वो किस ईयर में पास किया गया था ये भी आप याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया हु रोट दिस बुक ऑप्शन ए आर पी देसाई ऑप्शन बी एम एन श्रीनिवास ऑप्शन सी रामुनाज गंगुली ऑप्शन डी इराबती करवी अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे किनशिप ऑर्गेनाइजेशन जो बुक है वो किसने लिखी है मैं आपको बताऊंगा ये जो बुक है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया ये फेमस बुक है जो लिखी है डॉक्टर इरावती करवी यहाँ पर इसने यहाँ पर इरावती लिखा है ये गलत है यहाँ पर इसका पूरा नाम है डॉक्टर इरावती करवी डॉक्टर इरावती करवे जिसने ये बुक लिखी है किन्शिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया फेमस बुक एंड दिस इज़ नॉट इस आर पी दिस दिस इज़ नॉट एम एन श्रीनिवास दिस इज़ नॉट रामोनाज गंगोली सो राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी डॉक्टर इरावती करवे इसने यहाँ पे गलत लिखा है डॉक्टर इरावती करवे बेसिकली ये है डॉक्टर इरावती करवी हु रोट द बुक किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया अल्लाह हाफिज़